मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। क्या थी गंगूबाई की मर्जी? नेहरू की किस बात पर गंगूबाई ने डांटा था? क्यों हुए नेहरू गंगूबाई से प्रभावित? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का दर्शकों के बीच एक जबरदस्त बज बना हुआ है। इस फिल्म में आलिया भट्ट पहली बार लेडी डॉन की भूमिका में नजर आएंगी। वहीं फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा अजय देवगन का भी कैमियो है। अजय देवगन फिल्म में करीम लाला के किरदार में नजर आने वाले हैं। अजय देवगन का फिल्म में कैमियो होने के बाद भी उनका सोलो पोस्टर रिलीज किया गया है। इसकी खास वजह यह भी है कि गंगूबाई के जीवन में करीम लाला की अहम भूमिका रही है। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीते दिन फिल्म का ट्रेलर आया, इसे काफी पसंद किया गया। ये कहानी एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित है। गंगूबाई का प्रभाव सिर्फ गैंगस्टर्स और अंडरवर्ल्ड तक ही नहीं था, बल्कि बड़े राजनेता भी उनसे प्रभावित थे। गंगूबाई ने वुमेन एम्पावरमेंट समिट में वैश्यावृत्ति के पक्ष में ऐसी स्पीच दी थी जो सुर्खियों में आ गई। धीरे धीरे गंगूबाई के चर्चे उस वक्त प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचे। किताब में एक घटना का जिक्र है जब गंगूबाई ने नेहरू से कहा था कि क्या वो उन्हें मिसेज नेहरू बना सकते हैं। कहा जाता है कि मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में ऐसा कोई घर नहीं जहां गंगूबाई का फोटो ना हो। गुजरात के संपन्न परिवार की बेटी गंगा हरजीवन दास प्यार में धोखा खाकर गंगूबाई बन गई। वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। पिता के अकाउंटेंट रमणीक लाला से प्यार हुआ। गंगा ने घर वालों के खिलाफ जाकर उनसे शादी की और उनके पति ने ही 500 रुपए में उनका सौदा कर दिया। गंगा ने हालात से समझौता किया, लेकिन मन ही मन तय किया कि किसी और लड़की के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देगी। गंगूबाई के कोठे पर बड़े बड़े गैंगस्टर आते थे और करीम लाला को उन्होंने मुंह बोला भाई बनाया था। गंगूबाई ने रेड लाइट एरिया की दशा सुधारने के लिए कमर कस ली थी। महिला सशक्तिकरण की एक समिट में गंगूबाई ने ऐसी स्पीच दी जिसकी गूंज देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची। इस भाषण में गंगूबाई ने शहरी इलाकों में वैश्यावृत्ति की जरूरत पर जोर दिया था। जवाहरलाल नेहरू उनकी रेड लाइट एरिया की स्थिति सुधारने की इच्छा से प्रभावित हुए। जब गंगूबाई को जवाहरलाल नेहरू से मिलने का मौका मिला, उन्होंने नेहरू से कहा कि वो अपने भाषणों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर सेक्स वर्क्स की स्थिति सुधारने का मुद्दा उठाए। गंगूबाई ने उनसे आग्रह किया कि वो कुछ करें ताकि सेक्स इंडस्ट्री की महिलाओं को बराबरी का हक मिले और वो सम्मानजनक जिंदगी जी पाए। जवाहरलाल नेहरू गंगूबाई से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने मुलाकात के दौरान गंगूबाई से कहा कि उन्होंने ये काम क्यों चुना, जबकि वो एक अच्छा पति चुनकर बेहतर जिंदगी गुजार सकती थी। इस पर गंगूबाई ने नेहरू से पूछा, क्या आप मुझे मिसेज नेहरू बनाएंगे? उनके सवाल का जवाहरलाल नेहरू के पास कोई जवाब नहीं था। तब गंगूबाई ने कहा, उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन इसे कर पाना मुश्किल। तो दोस्तों, आप आलिया की इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।